दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है दोस्तों, और ये कुछ दिनों पहले की अपडेट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खरीदने जा रहा है डिस्नी इंडिया बिजनेस को। जी हाँ दोस्तों, जो डिस्नी का बिजनेस इंडिया में है, अलग अलग टीवी चैनल्स हैं और दोस्तों डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसको खरीदने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और खबरों की माने दोस्तों तो ये जो डील है वो अगले महीने तक पूरी भी हो सकती है, जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें ये दावा किया गया है, जिसमें ये बातें बताई गई हैं और जो मीडिया सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही हैं दोस्तों। दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जी और सोनी मर्जर की बातें भी निकल करके आई थी, जो कि इस साल के अंत तक फाइनलाइज भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये डील हो जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डिस्नी इंडिया बिजनेस का दोस्तों, यानी डिस्नी स्टार का, तो दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। और इसी भी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, कितना मार्केट शेयर हो जाएगा, एड मार्केट शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हो जाएगा इस डील के बाद, पूरी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे। और क्या इम्पैक्ट होगा दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री पे इसका, बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं एक डिजिटल डीएस, बाकी बातें इस वीडियो के अगले हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स और जी नेटवर्क की जो डील है वो फाइनली हो गई है, मर्जर जो फाइनली हो गया है लगभग तो इस साल के अंत तक वो भी कंफर्म ही है लगभग, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कि उनका जो एड मार्केट शेयर हो जाएगा दोस्तों 25% का हो जाएगा अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो। यहाँ पर दोस्तों तो इतना बड़ा बाउंस होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अगर वो परचेज कर लेता है डिस्नी इंडिया बिजनेस को, तो दोस्तों इनका एड मार्केट शेयर हो जाएगा 43% का। दोस्तों बाकियों के लिए क्या बचेगा जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में और बाकी कंपनियां हैं, तो दोस्तों एक होल्ड हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, एक मार्केट वैल्यू हो जाएगी इनकी। आप देख सकते हैं जो डिस्नी इंडिया बिजनेस है, अभी डिस्नी प्लस हॉटस्टार जो इनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो इतना बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों आप सभी जानते हैं। और जो टीवी चैनल्स हैं दोस्तों, टीवी चैनल्स तो 70 टीवी चैनल्स, इससे अधिक ही टीवी चैनल्स इनके पास है। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इनका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो होता है वाईकॉम 18 के थ्रू, इनके पास 38 टीवी चैनल्स हैं, 38 टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं, और 38 टीवी चैनल्स और 70 ही मान लीजिए तो 108 तो टीवी चैनल्स हो जाएंगे इनके पास। और अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो जियो सिनेमा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन के उभरा है कुछ दिनों में, तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार अगर मिल जाएंगे तो ओहो दोस्तों कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा नेटवर्क इनके पास हो जाएगा तो 43% एड मार्केट तो आना ही है। दोस्तों कह सकते हैं कि एक बड़ी डील है, और जैसी खबरें निकल करके आ रही हैं ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि ये जो डील है वो फाइनल हो सकती है नेक्स्ट मंथ में, ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। फाइनल तो जब होगी तब होगी दोस्तों, लेकिन इस पे और बातें और क्लैरिटी आपको अगले महीने यानी दिसंबर में मिली जाएंगी दोस्तों। तो दो बड़ी मर्जर दोस्तों, एक तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और जी नेटवर्क का, और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेज करने जा रहा है डिस्नी इंडिया बिजनेस। बड़ी खबर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।